गढ़ चिरौली से बिलोंग करते हैं लेकिन इन दिनों में वो जॉब के सिलसिले में पुणे में रहते हैं और प्रभु की महिमा भी करते हैं के साथ साथ परमेश्वर के कामों के लिए भी तैयार रहते हैं और प्रभु की महिमा भी कर रहे हैं सो so, आइए हम लोग आगे का समय उनके हाथों में देना चाहते हैं और जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करें क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है yes. Yes, मैं कोई इतना बड़ा या इतना योग्य नहीं हूँ या इतना लायक नहीं हूँ कि आप मेरे लिए तालियां बचाए मैं चाहता हूँ कि मेरे यीशु के लिए आप जोरदार तालियां बचाए क्योंकि वो ही है सारे महिमा और आदर की योग्य है अगर परमेश्वर ने मुझ पे या आप पे दया नहीं की होती, या उसका अनुग्रह आज मुझ पे या हम में से किसी पे भी नहीं हुआ होता, तो आज मैं और आप यहां पे प्रभु की सहभागिता में ना बैठे होते ये प्रभु का दया है या मेरी कुछ भी योग्यता नहीं है या मैं इतना अच्छा नहीं हूँ मुझ में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है कि मैं उस प्रभु की महिमा करूं या प्रभु प्रभु की मिनिस्ट्री लेकिन उसका अनुग्रह जो है ना प्रभु का जो अनुग्रह होता है ना वो हमको खड़ा करता है हालेलुया तो मेरे जवान भाई बहनों आपको आपको मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और जब भी मैं अपने जवान भाइयों और बहनों को मिलता हूँ सेवकाई करता हूं उनके बीच में तो मैं इतना अच्छे मतलब अच्छा मतलब अच्छा फील करता हूँ या एक आनंद अलग सा आनंद मेरे दिल में आ जाता है हालेलुया आ, फिर से एक बार मैं आपको पूछना चाहूंगा कि मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है आप अपना थम्स अप भेज सकते हैं या आप अपना और हां क्लियर yes, हा, है ब्रदर हां क्लियर ओके ओके थैंक यू सो मच और फिर से मैं एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से जित या आज गूगल मीट पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और YouTube पर जो हमको देखने वाले या इस वीडियो को देखने वाले हैं हमारे साथ जुड़ने वाले उन सभी का मैं तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ आज की सभा में और मैं हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें एक मौका दिया कि हम हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु की महिमा करें उसकी आराधना करें और परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम आशीष को पाए हालेलुया तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग भले चंगे होंगे और प्रभु में और बढ़ते जाइ मैं विश्वास करता हूँ आप प्रभु में और बढ़ रहे होंगे हालेलुया और प्रियो में एक आ, वचन स्टार्ट करने से पहले एक बात को बोलना चाहता हूँ शायद आपको पता होगा कि इन दिनों में जो हमारे इंडिया में हमारे भारत में बहुत सारे स्टेप है, जो हम हमारी जो है, हमारे चर्चेस के मतलब संडे के दिन जाकर आराधना को रुकवाया जा रहा है प्रार्थना को बंद किया जा रहा है और जो अन्य जाति लोग है जो विश्व हिंदू परिषद के लोग है याद लोग हैं वो जबरदस्ती घुस अपने नारे लगा रहे तो मैं 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 चाहता हूँ कि आप सभी लोग इन बातों के लिए प्रार्थना करें प्रियो आप जब भी प्रार्थना में बैठते अपना समय प्रार्थना में बिताते हैं तो ये प्रार्थना कीजिए कि आने वाले दिनों में जो है क्योंकि यदि प्रियों सेव, सेवक नहीं रहेंगे तो सेवा कौन करेगा यदि हमारी कलिस है मतलब सुरक्षित नहीं रहेगी हमारे सेवक लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हमारे मतलब हमारे देश में हमारे राज्यों में हमारे एरिया में सेवकाई कौन करेगा प्रियो अले लुहिया क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना है उनकी सेवा करने के लिए मिनिस्ट्री करने के लिए तो यह हमारा फर्ज है हम देखते हैं यदि हम पुराने समय में या पुरानी पुरानी कलिसिया में देखते हैं, तो जब भी कलिसियाओं पर सताव आता था, था जब भी सेवकों पर सताव आता था, था तो कलिसिया एक मन होकर लो लगा कर एक चित्त होकर प्रार्थना करती थी अलुया और उन क्लेशों में उन सताओं में प्रभु उनको और उठा के खड़ा कर जाता और मैं आपको बताना चाहता हूं कितना ज्यादा सता होता था उससे भी कहीं ज्यादा प्रभु का काम होता था और प्रभु का राज्य बढ़ता था हालेलुया और प्रिय मैं चाहता हूँ मेरे दिल से रिक्वेस्ट है आप सभी को कि आप सभी सेवकों के लिए प्रार्थना की करें हमारे देश के लिए प्रार्थना करें कि इन दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है हम सब प्रभु के हाथों में दे। यदि हम पौलुस को अगर देखते हैं भी एक सताने वाला था लेकिन किसी ने पौलुस के लिए प्रार्थना किया होगा तभी तो प्रभु ने उसका जीवन बदला यदि हम भी उनके लिए प्रार्थना करते तो प्रभु उनका जीवन बदलेगा क्या बिलीव करते हैं क्या मैं आपकी हाँ सकता हूँ फिर से एक बार जितने मुझे देख रहे हैं जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जितने यूट्यूब पर देख रहे हैं सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ प्रिय हम छोटी सी दुआ करेंगे और हम आपके वचन में जाएंगे

प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु होने वाली सभा को प्रभु आज के वचन को प्रभु जितने प्रभु हमारे साथ गूगल मीट पर जुड़ चुके और प्रभु जितने प्रभु पर, प्रभु 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 जितने पर जो इस इस सभा को 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 देखने वाले इस को सुनने वाले वचन सुनने मैं प्रार्थना करता प्रभु सभी को आप आप सभी ब्लेस कीजिए हम प्रार्थना करते राजा प्रभु हर एक के प्रभु हृदय को आप तैयार कीजिए राजा प्रभु हमको सुनने वाला कान दे प्रभु जी प्रभु हम अपने आप को खाली कर देते इस समय प्रभु प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूँ प्रभु लेकिन तू मेरे द्वारा मेरे मुख से हो कर पिताजी तो बात है कि आज हम प्रार्थना करते प्रभु पर प्रभु जितने भी भाई बहन आज का वचन सुनेंगे उन सभी को आप प्रभु प्रभु आप ब्लेस कीजिए हम प्रार्थना करते राजा प्रभु इस जगह पर प्रभु आपकी महिमा होने पाए राजा धन्यवाद करते सारादरम में आपको देकर यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं आमेन आमेन ओके हालेलुया प्रियो मैं फिर से एक बार प्रभु को धन्यवाद करता हूं यह सौभाग्य दिया मुझे कि उसके वचनों के द्वारा मैं कुछ बातों को बता सकूं हाल प्रियो हम देखते हैं जो समय है प्रियो बहुत लोग सभी लोग जवान हैं जवान भाई बहने हैं तो स्पेशल जवानों के लिए आ, ये आज की जो है तो आज का जो वचन है मैं आज अब जो जवान है उनमें से कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मैं सोच रहा था कि मैं क्या बताऊ क्या बताऊ लेकिन कुछ बातों को परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है प्रियो तो उस बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं हाल लुहिया प्रियो हम निकालेंगे इस समय सबो सबो पदेशक इसका बारह अध्याय यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं सबो पदेशक इसका बारह अध्याय सॉरी ग्यारह अध्याय के हम नौ से लेकर पढ़ेंगे तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं ध्यान से सुनिएगा है चवान अपनी चवानी में आनंद कर और अपनी चवानी के दिनों में मगन रहे अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा अपने मन मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है हाल पता नहीं मुझे आप में से कितने लोगों ने इस वचन को सुना है या वचन को पढ़ा है शायद हो सकता है कि बहुत सारे जवान भाइयों ने इस वचन को सुना होगा पढ़ा होगा या, या यूट्यूब पे देखा होगा प्रियो मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ प्रियो हालया प्रियो हम देखते हैं आज आज बहुत सारे जो जवान है जवान भाई जो जवान भाई बहन एक दिशा एक दिशाहीन दौड़ में दौड़ रहे हालेलुया बहुत सारे जवान भाई बहन है वो मतलब दुनियादारी में आ, मतलब ज्यादातर जो, जो परमेश्वर की आ, मतलब परमेश्वर की आज्ञा न मानते हुए मतलब उनको जो लगता है उस दिशा में वो दौड़ रहे प्रियो हालेलुया चाहे आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते लेकिन मैं कुछ सच्ची बातों को आपके आपके सामने आज की शाम में रखना चाहता हूँ प्रियो इस वचन को ध्यान से सुनेगा प्रियो हालेलुया हाल लो बहुत बार हम सोचते हैं बहुत बार हम यदि हम आ, किसी जवान भाई बहनों को पूछते हैं हम दुनिया में कि आप क्या बनना चाहते हैं तो बहुत सारे जवान भाई बहन या जो बच्चे हैं अगर आप बच्चों को अगर आप कुछ सवाल पूछेंगे कि आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं तो बहुत सारे बच्चों का ये जवाब रहेगा कि मुझे इंजीनियर बनना है मुझे डॉक्टर बनना है मुझे पायलट बनना है मुझे बहुत बड़ा बिजनेस बनना है या मुझे ये बनना है मुझे ऑफिसर बनना है मुझे आई बनना है मुझे आई बनना है मुझे कलेक्टर बनना है हाल बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोगों की मतलब इच्छा रहती कि मैं बड़ा होकर ये बोलू मेरा ये सपना है मैं इस सपनों को पूरा करना चाहता हूँ हाल तो इस बातों को अगर हम देखते यदि हम मसी भाई बहनों को पूछते हैं तो आप क्या बनना चाहते शायद उनका भी आ, सवाल ये हो सकता है सॉरी जवाब ये हो सकता है कि मैं आ, अच्छा बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ अच्छा पैसे वाला बनना चाहता हूँ कि नहीं मैं एक भविष्य वक्ता हूँ या मैं कोई ये बोलेगा कि मैं अच्छा पर बनना चाहता हूँ मैं अच्छा प्रचारक बनना चाहता हूँ लुया बहुत सारे हम सुनते हैं बहुत सारे लोगों के बहुत सारे जवाब होते हैं हले लुहिया हले लुहिया लेकिन क्या कभी हमने प्रभु को पूछा है कि प्रभु तू मुझे क्या बनाना चाहता है आप आप में 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 से से कभी प्रभु आप में, आप में से किसी ने पूछा है कि प्रभु तू मुझको क्या बनाना चाहता है प्रियो हम हमारी इच्छा है हम तो चाहते हैं कि प्रभु प्रभु मुझको ये बना प्रभु मुझको वो बना प्रभु मुझको कलेक्टर बना प्रभु मुझको इंजीनियर बना लेकिन हम भी जैसे बाहर के लोग चाहते हैं वैसे हम भी बोलते हैं कि प्रभु मुझे ये बना है मुझे वो बना है लेकिन क्या प्रभु की इच्छा को हम पूछते हैं कि प्रभु तू मुझको क्या बनाना चाहता है तूने मुझे जब इस पृथ्वी पर भेजा है मतलब प्रभु ने हमको पृथ्वी पर भेजा है तो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए ही भेजा है बेकार में हम इस दुनिया में नहीं आए प्रियो आप जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं चाहे बड़े है चाहे छोटे है चाहे बहन हो चाहे भाई हो प्रियो आपका बनाने का उद्देश्य प्रभु का बहुत बड़ा है इसलिए आज आप यहाँ पर है कोई ये ना सोचे कि नहीं मैं मैं तो ऐसा ही हूँ मुझे, मुझे कोई काम नहीं है बस मुझे अपना काम करना है नहीं प्रियो प्रभु ने किसी खास मकसद के लिए आपको बनाया है हाल प्रभु कुछ ना कुछ आपसे चाहता है प्रियो हाल लोहिया प्रियो हम हम बहुत सारे लोग लोगों के पास समय नहीं है प्रियो बहुत लोग दुनियादारी में बहुत सारे लोग बहुत सारे आपकी अब जवानों को हम देखते हैं तो पैसे के पीछे पड़े हैं मतलब उनको पैसा कमाना है बहुत सारे जो बचपन उनको बिजनेस में बनना है बहुत पैसा कमाना है बड़ा आदमी बनना है हाले लुआया हाले लुया प्रियो और हम हमारे चर्च के अंदर अगर किसी जवान भाई बहनों को देखते हैं तो अगर किसी को उसको पूछते हैं तो तू क्या बनना चाहता है नहीं मुझे उस पास्टर के जैसा बनना है उस भविष्यवक्ता के जैसा बनना है उस प्रचारक के जैसा बनना है प्रियो हालेलुया हाल लुया प्रेस दोलोट प्रेस दोलोट मैं आपको बताना चाहता हूँ और प्रियो हम बहुत बार ये चाहते हैं कि हम लोगों को बदले मतलब मैं मैं ये चाहता हूँ कि आप में से कोई ये चाहता है कि लोग बदले लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि पहले मैं बदलू मुझ में बदलाव आए बहुत बार हम लोगों को बदलता हुआ देखना चाहते लेकिन हम खुद को बदला बदलता हुआ नहीं देखना चाहते मतलब मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं ऐसा हमको लगता है लेकिन मतलब लोगों में हम कुछ लोगों को लोगों में हम कमियां ढूंढते हैं लोगों में हमको कमियां दिखती है नहीं वो उसकी ये बात ठीक नहीं है उसको ऐसा करना चाहिए नहीं उसको ऐसा करना चाहिए उसको ऐसा चेंज होना चाहिए उसको बदलना चाहिए मतलब हम हमेशा ये चाहते कि लोग बदले लोग बदले लोग बदले लेकिन क्या आज की रात हम ये चाहते कि मैं बदलू पहले खुदा मुझको बदले हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं। कि प्रभु ये ऐसा है उसको बदल प्रभु वो ऐसा है उसको बदल प्रभु इसका ये है है उसका वो है, उसको बदल क्या पहले हम खुद बोलते कि प्रभु पहले बदलाव की जरूरत मुझे है प्रभु तू पहले सबसे पहले मुझको बदल हाल प्रेसोट क्या आप सभी लोग मेरे साथ है हाल प्रियो मैं आज की शाम आज की रात मेरे जवान आपको एंकरेज करना चाहता हूँ प्रियो हालेलुया हाल लुिया प्रियो बहुत बार मतलब आ, हम लोग चाहते हम मतलब हम चाहते हैं हम बहुत बार ऐसा चाहते हैं प्रियो मैं मैं खुद की बात करा मैं भी पहले चाहता था कि मैं भी पहले बोलता था कि प्रभु प्रभु ये ऐसा है प्रभु वैसा है प्रभु ये उसको बदल इसको बदल ये इसका काम ठीक नहीं है उसका काम ठीक नहीं है प्रियो मतलब मतलब हमेशा जो हमारे जो सामने जो आता है ना हमारे जो मन में आता है हम वो मतलब हम बोलते लेकिन क्या कभी पहले ऐसा मैं मतलब मैं मुझे मैं बुराई दिखती क्यों है मुझे दूसरों के अंदर बुराई क्यों दिखती है क्योंकि मैं बुरा सोचता हूं इसलिए मुझे उसकी बुराई दिखती है हाल क्या मैं उसके बारे में कभी अच्छाई को सोचता हूँ नहीं प्रियो पहले प्रियो बदलाव खुद क्यों मतलब खुद के अंदर बदलाव आना चाहिए तभी हम दूसरों को बदलता हुआ देख सकते है यदि हम बोलते नहीं मैं जैसा हूं मैं वैसा ठीक हूं मेरे को बदलने की जरूरत नहीं है मैं अच्छा हूं मैं बहुत अच्छा हूं मैं ऐसा करता हूं मैं वैसा करता हूं मैं बहुत अच्छा काम करता हूं आप गलत फहमी है प्रियो गलत फहमी में है प्रियो हाल पहले बदलाव की जरूरत हमारे अंदर है प्रियो हाल लु ये लुह और मैं, आ, और और एक बात बताना चाहता हूँ। हम 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 लोग अना, और और हम लोग मैंने देखा है कलिसिया में या चर्च में बहुत सारे जवान भाई बहने दूसरों की कॉपी करते हैं प्रियो कॉपी मतलब ये बहुत आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कॉपी करना एक दूसरे की कॉपी करना अरे किसी किसी प्रचारक को देख लिया पास्टर को देख लिया उसको हाथ रख रहा और वो गिरा रहा है तो बहुत सारे लोग भी ऐसे करते हैं प्रार्थना करते और जबरदस्ती मतलब उसको हाथ रखते मतलब गिरेगा नहीं फिर भी जबरदस्ती उसको ऐसे ऐसे -दे गिरा देते हैं मतलब वो कॉपी एक ट्रेन चल रहा है कॉपी मतलब वो पास्टर पास्टर ने हाथ रखा गिर गया तो मैं भी मैं भी गिराऊंगा मैं भी मतलब मे भी हाथ रखने से वो भी गिर जाएगा हालेलुया मतलब हम कॉपी करते बहुत सारे भविष्यवक्ता को देखकर हम कॉपी करते बहुत बड़े बड़े, बड़े प्रचारक को देखकर हम कॉपी करते हैं हालेलुया हालेलुया हमको मैं आपको बताना चाहता हूं आज आप प्रचारक बनना चाहते हैं या किसी के लिए का अच्छा उदाहरण बनना चाहते हैं प्रिय प्रचारक बनने से अच्छा कि एक अच्छा उदाहरण बनो प्रियो हम लोग मतलब कॉपी करते प्रचारक को देखकर इसको देखकर उसको देखकर वो हाथ हाथ रख रहा वो भविष्यवाणी कर रहा है तो मुझे भी उसके जैसा भविष्यवाणी करना है वो आराधना कर रहा है तो मुझे भी उसके जैसे आराधना करनी है वो सॉन्ग गा रहा है तो मुझे भी उसके जैसे सॉन्ग गाना है वो वो ये कर रहा तो मुझे भी उसके जैसा ये करना है वो करना है हाल मतलब हम कॉपी कॉपी करने में लगे मतलब इसको देखा उसको देखा तो मुझे ये कर लिया क्या प्रभु Uh, क्या आपने खुद को देखा और प्रभु को बोला कि प्रभु प्रभु तू क्या चाहता है मेरे अंदर मैं क्या बनू तू क्या चाहता है मुझसे लॉर्ड लोहिया मैं आज को मैं आज आपको एंकरेज करना चाहता हूँ uh, मैं आपको उत्साही करना चाहता हूं प्रियो कि बहुत बार हम सोचते प्रियो मैं मेरी बात करा मैं भी ऐसा सोचता था कभी कभी मुझे भी लगता था ऐसा Osionfish. कि नहीं वो प्रचारक कितना अच्छा प्रचार करता है मैं उसके उसके जैसे मतलब प्रचार क, कर करूंगा नहीं वो भविष्यवाणी करता है मुझे उसकी जैसे भविष्यवाणी करना है नहीं वो कितना अच्छा गाता है म, मैं भी उसके जैसा गाऊंगा वो कितनी अच्छी आराधना करता है मैं उसके जैसी आराधना करूंगा वो कितना अच्छा बजाता है मैं उसके जैसा बजाऊंगा हाल हालेलुया किसी हम प्रचारक को देखते हैं किसी बड़े प्रचारक को देखते हैं प्रियो लेकिन आप प्रचारकों को देखते क्या आपने उनको उनके पीछे का स्ट्रगल को देखा है उनके पीछे के जीवन को देखा है मतलब उन्होंने वो मतलब उस वो जो प्रभु की ओर से उनको मिला है वो किस तरह से उनको मिला है उस चीज को आपने देखा है कभी सोचा है उस चीज के बारे में हल् प्रियो हम ऐसा सोचते नहीं है लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं मुझे इसके जैसा है लेकिन प्रियो उसके पीछे का जो स्ट्रगल है उनका जो डेडिकेशन है उनका जो समर्पण है उनका जो त्याग है प्रियो उस त्याग को आपने कभी देखा है नहीं देखा है प्रियो हालेलुया लेकिन आज हम बेनियन को देखते हैं बेनियन ऐसे प्रार्थना मतलब ऐसे प्रार्थना करता है तो लोग गिर जाते हैं भग जाते हैं मतलब बहुत बड़े जो हम प्रचारों को देखते हैं जो अद्भुत मिराकल्स को करते हैं लेकिन हम चाहते हैं उनके जैसा करना हम कॉपी करना चाहते हैं लेकिन क्या उनके पीछे आपने उनके पीछे के स्ट्रगल को देखा है क्या सब लोग है यहाँ पे यस yes, यस yes. रेस दिलोर शायद बहुत लोग प्रचार को सुनकर लेफ्ट हो रहा है हालेलुया लेकिन प्रियो मैं आपको सच्चा बताना चाहता हूँ प्रियो ये दुनिया हम लोग हम लोग हम लोग कॉपी करने में लगे बहुत सारे जवान भाई बहनों को देखता हूँ कॉपी करने में मतलब कॉपी करते रहते हैं इसके उस प्रचारक को देख लिया लिया कॉपी कर उस पर को देख लिया कॉपी कर लिया इसको देख लिया कॉपी कर लिया क्या कभी प्रभु येसु मसीह को देखा देख कर आपने सोचा कि मैं प्रभु येसु की तरह बना बनूंगा नहीं मुझे प्रभु येसु की तरह बनना है नहीं मैं मुझे उस आराधना में उस की तरह बनना है नहीं मुझे उस भविष्यवक्ता की तरह बनना है नहीं मुझे उस चमत्कार करने वाले पास्टर की ओर बनना है मुझे वो प्रचारक की तरह बनना है क्या किसी ने ये प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे तेरे जैसा बनना है प्रभु तू जैसा है वैसा मुझको बना कभी किसी ने यह बोला है प्रियो नहीं हम हम ये नहीं बोलते हम प्रभु की तरह नहीं बनना चाहते हमको अच्छा वर्षी पर बनना है उसके पर बनना है, हमको उसके जैसा प्रचारक बनना है हमको उसके जैसा भविष्योक्त बनना, बनना, बनना है प्रियो हालिया क्या आपने कभी अपनी बुलाहट के बारे में सोचा है आपको पता है आपकी बुलाहट क्या है किसी को पता है आपकी बुलाहट क्या है हालेलुया कभी प्रभु को आपने पूछा कि प्रभु तूने मुझे चुना है तो मुझे क्यों चुना है मतलब तूने मुझे बुलाया है तो किस मकसद से तूने मुझे बुलाया है किस मकसद मकसद से तूने मुझे बनाया है किस मकसद से तूने मुझे चुना है तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं तेरी महिमा के लिए करूं हाले लुया प्रेसोलॉ लेकिन प्रियो हम हम ये नहीं चाहते कि प्रभु जो चाहता है वो नहीं करना चाहते लेकिन प्रभु प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि ये करूँ प्रभु मुझे ये करना है प्रभु मुझे वो करना है हम अपने मतलब खुद की इच्छा से करना चाहते हैं खुद की मर्जी से करना चाहते हैं प्रियो हले तब हम लोग क्या होते हैं फेल हो जाते प्रियो जो खुद की इच्छा से या खुद की मर्जी से सेवा करना चाहता है या मिनिस्ट्री करना चाहता है जो कुछ भी करना चाहता है प्रियो तो वो फेल हो जाता है यदि प्रभु की इच्छा नहीं है प्रभु प्रभु आपको मतलब कुछ और चाहता है वो छोड़कर आप कुछ और कर रहे हैं पता है आपको अपने योना के बारे में तो सबको पता होगा प्रभु उसको कहा भेजना चाहता था वो कहा गया था हालेलुया निन्वे, निन्वे को प्रभु ने भेजा था लेकिन तर्शिस में गया तब क्या हुआ आपको पता है बहुत अच्छे से जानते होंगे स्टोरी को हो। प्रियो ऐसे बहुत बार होता है प्रभु हमको प्रभु हमको चाहता है कि ये कर लेकिन हम हम प्रभु चाहता है हमको इधर भेजे लेकिन हम इधर जाते हैं हाले प्रभु हमको चाहता है कि प्रभु हम कुछ ऐसा काम करें जो प्रभु को पसंद आए लेकिन हम हम अपनी मतलब हम ऐसा आंसर करते कि प्रभु मैं ये करूंगा तब प्रभु खुश हो जाएगा लेकिन ऐसा मत करिए पियो लेकिन प्रभु जो चाहता है वो करेंगे तब प्रभु खुश होगा लेकिन आप जो चाहते वो करेंगे तब प्रभु बिल्कुल भी खुश नहीं होगा हाल बहुत बार बहुत बार हम अपने मन का सोचते प्रभु हम का म, मन का करते हैं हाल लुह और शायद शायद आप शायद आप किताब पढ़ते या नहीं पढ़ते मुझे पता नहीं शायद आप पढ़ते होंगे आप कौन सी किताब पढ़ते आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं या किसी मसीह किताब मसीह सम्मेलन में जाते हैं तब आप कौन सी किताब लेते हैं कि मैं, मैं कैसे मिनिस्ट्री में बढ़ू मैं कौन सी मिनिस्ट्री करूँ या क्या करूं क्या क्या आप कभी ऐसी किताब लेते हैं या पढ़ते हैं कि मैं प्रभु में कैसे पढ़ू मैं प्रभु को किस तरह खुश करूं प्रभु कैसे मुझे प्रसन्न मतलब प्रभु कैसे मुझसे प्रसन्न होगा प्रभु को कैसे भाऊंगा प्रभु को कैसे मैं और करीब जाऊंगा प्रभु के तो प्रियो आप आप सोचिए प्रियो आपकी बुलाहट क्या मैं आपको पतरस के बारे में बताना चाहता हूं यदि जब प्रभु पतरस के पास गया तब यीशु ने उसको क्या कहा मेरे पीछे आ, मैं तुझे क्या बनाऊंगा मैं तुझे मनुष्य का पकड़ पकड़ाने वाला बनाऊंगा यीशु ने क्या कहा मेरे पीछे आ, मैं तब तुझे मनुष्य का पकड़वाने बनाऊंगा हाल लुया पे दो 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 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं एक पतरस का काम कौन सा है और यीशु का काम कौन सा है हाल पतरस का काम कौन सा है क्या आप मुझे बता सकते हैं पतरस का काम था सिर्फ यीशु के पीछे पीछे चलना पतरस का काम ये नहीं था कि मैं यीशु के ये नहीं जानना था कि मैं यीशु के पीछे क्यों जाऊं हालेलुया हालेलुया um, लेकिन हम क्या करते पता है बहुत बार हम लोग ऐसा करते प्रभु बोलता है कि मेरे पीछे आ लेकिन हम जानना चाहते कि प्रभु मैं तेरे पीछे क्यों आऊ बहुत बार हम जानना चाहते कि प्रभु मैं तेरे पीछे क्यों आऊ हालेलुया लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ आप जानना बंद के प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिए प्रभु आपको वो बनाएगा जो प्रभु चाहता है तब आपको पता भी नहीं चलेगा हाले प्रभु आपको वो कब बना देगा जब आप प्रभु के पीछे चल रहे हो प्रभु के पीछे चल रहे हो प्रभु के पीछे चल रहे हो प्रभु के पीछे प्रभु आपको वो बना देगा जो प्रभु आपको चाहता है हाल आपको पता भी नहीं चलेगा हाल हालेलुया तो प्रियो मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहूंगा कुछ पांच पांच बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूं और पहली बात है मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम क्या बनना चाहते हैं पहली बात परमेश्वर जो आपको बनाना चाहता है उसे बनाने दो ना कि मैं जो बनना चाहता हूं वो बनू हाले ध्यान से सुनना यदि आप लिख सकते हैं परमेश्वर जो आपको बनाना चाहता है उसे बनाने दो हालेलुया बहुत बार हम अपनी मर्जी चाहते अपनी इच्छा से चाहते कि प्रभु आ, मुझे अच्छा प्रॉफिट प्रॉफिट बनना है मुझे भविष्यवक्ता बनना है आ, मुझे अच्छा प्रचारक बनना है आ, मुझे अच्छा आराधक बनना है या मुझे ये बनना है मुझे वो बनना है लेकिन क्या प्रभु प्रभु को आप मतलब ये देते फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रभु को देते प्रभु के हाथ में खुद को समर्पण कर देते कि प्रभु मैं मैं तो मैं नहीं प्रभु लेकिन तू जो चाहता है वो मुझको बना हालेलुया आपको इर्मिया के बारे में पता होगा इरमिया यदि आप अठरा अठारह अध्याय निकालते हैं तो उसमें उसमें जब जब प्रभु आ, को एक कुमार के पास भेजता है वो जब देखता है तो एक बर्तन बनाते बनाते गिर जाता है टूट जाता है फिर से वो बनाता है तो प्रभु उसको बोलता है क्या मैं भी ऐसा नहीं हूं कि टूटे हो को फिर से बना सकता हूँ हाँ प्रियो प्रभु जो चाहता है वो हमको बना बनाना चाहता है बना सकता है प्रियो लेकिन लेकिन हम वो नहीं चाहते जो प्रभु हमको बनाना चाहता है हम हम वो चाहते जो हमको बनना है हरे लेकिन मेरे जवान भाई बहनों में आज की शाम आपको इंकरेज करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से ये ये म, आप आपको जो लगता है वो मत बनो प्रियो आपको लगता है कि मैं ये बनू नहीं प्रभु को पूछो प्रभु प्रभु अपना समर्पण कर दो प्रभु के हाथ में दे दो प्रभु तुम उसे क्या चाहता है प्रभु प्रभु को पता है आप में कौन सी क्वालिटी है आप किसके लिए योग्य है आप बोलेंगे नहीं प्रभु ये मैं ये, मैं ये कर सकता हूँ नहीं प्रभु को पता है आप नहीं जानते आप क्या बेस्ट कर सकते वो मेरे प्रभु को पता है प्रयोग हालील लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं मुझे प्रभु मुझे ये बनना है प्रभु मुझे वो बनना है मुझे ये बना दे हालील क्या कभी है? आपने प्रभु की इच्छा को पूछा है प्रभु की इच्छा को पूछा है कि प्रभु मैं क्या बनू तुम क्या चाहता है कि वो मैं बनू आप ऐसा करना स्टार्ट कर दे प्रियो यदि आप प्रभु को खुश करना चाहते हैं या प्रभु में चाहते हैं आत्मिकता में बनना चाहते हैं प्रभु के सामत में बनना चाहते हैं प्रभु के प्यार में बढ़ना चाहते हैं हर बात में अगर बढ़ना चाहते तो फर्स्ट पहला स्थान प्रभु को दो अपना अपना समर्पण कर दो प्रभु प्रभु मैं तो चाहता हूँ लेकिन प्रभु है, प्रभु ने प्रभु ने जब प्रभु यीशु मसीह पर चढ़ाए जाने वाला था उस उसके पहले प्रभु ने प्रार्थना किया था कि प्रभु हो सके तो यह प्याला मुझसे क्या हो जाए हट हाँ जाए लेकिन लेकिन उसके बाद ऐसा लिखा है प्रभु लेकिन जो मैं चाहता हूँ नहीं लेकिन तू चाहता है वो तेरी इच्छा के जैसा हो हाल या उस, सम, उस समय प्रभु की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन सकता था सुन सकता है लेकिन प्रभु को खुद की इच्छा को पूरा नहीं करना था उस समय यदि प्रभु खुद की इच्छा को पूरा करता था तो जो इतना बड़ा नाम जो जो उसको मिला है जो आकाश के नीचे और पृथ्वी पर जिस नाम हमको उद्धार मिलता है जो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है जो राजाओं का राजा महा महाराजा है हाल वो ऐसे ही नहीं मिला पी प्रभु को उसके पीछे प्रभु का त्याग है प्रभु का समर्पण है हाँ प्रभु की प्रार्थना है हाल लुहिया हाल लुहिया मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है ये ये कभी बत ये मतलब खुद की इच्छा से मतलब मुझे लगता है कि नहीं मैं ये बनूंगा आ, कभी लगता है, कभी मुझे लगेगा, प्रभु मैं, मैं प्रचारक बनूंगा नहीं प्रभु मुझे कभी लगता है मैं भविष्यवाणी करूंगा नहीं प्रभु मैं कभी लगता है मुझे मैं सुसमाचार चाहूंगा नहीं प्रभु मुझे लगता है मैं मैं ये ये करूंगा मैं वो करूंगा ये सेवा करूंगा वो करूंगा क्या मतलब हम कैसे हम बदलते रहते हमारा मन प्रभु मैं ये बनूंगा मुझे मतलब जो हमको अच्छा लगेगा मतलब ये अ, कुछ कुछ टाइम के लिए हमको ये अच्छा लगता है फिर कुछ टाइम के लिए हमको वो अच्छा लगता है कुछ टाइम के लिए हमको ये अच्छा लगता है फिर किसी प्रचार को देख लिया किसी इसको देख लिया उसको देख लिया हमारा माइंड क्या होता है चेंज हो जाता है लेकिन क्या आपने कभी प्रभु को पूछा है कि मेरे प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं तेरी इच्छा क्या है कि मैं वो करूं हाल लेकिन आज की शाम आप सोने से पहले प्रभु से प्रार्थना कीजिए प्रियो हालेलुया आपको लगता होगा बहुत बार आपको लगता है आपको मैं ये करूं लेकिन आप जो चाहते थे वो आप बन नहीं पाए होंगे शायद बहुत लोग चाहते थे कि मैं ये बनू वो बनू लेकिन बहुत सारे लोग जो चाहते थे वो नहीं बन पाए लेकिन आज की शाम आज की रात में आपको बताना चाहता हूं प्रभु को बोले कि प्रभु तू जो चाहता है वो मुझको बना जब प्रभु आपको मुझको बनाएगा ना जब प्रभु ध्यान से सुना जब प्रभु आपको और मुझको बनाएगा ना तो हमको वहां से कोई भी गिरा नहीं सकता क्योंकि हम खुद की इच्छा से बनेंगे तो हम गिर जाएंगे हम फिसल जाएंगे हम जल्दी ये हो जाएंगे लेकिन प्रभु अपनी इच्छा से बनाएगा ना हमको तो वो बेस्ट रहेगा हरे तो आप सोचिए आपको बेस्ट चाहिए या खुद की इच्छा से मतलब खुद की खुशी के लिए या दूसरे मतलब दूसरे खुश होना चाहिए उसके लिए चाहिए वो करना चाहते हैं कि हमारा प्रभु खुश होना चाहिए प्रभु जो चाहता है प्रभु प्रसन्न होना चाहिए वो करना चाहते हैं या या हम ये चाहते हम वो, हम दूसरों की कॉपी करना चाहते या इसकी कॉपी करना चाहते उसकी कॉपी करना चा... नहीं प्रियो हर एक को प्रभु ने गिफ्ट दिया है हर एक को, प्रभु ने अ, बहुत प्रकार के वरदान दिए दान दिए है प्रियो लेकिन सबको मतलब एक को सभी दान नहीं देता प्रभु एक को सब कुछ नहीं देता प्रियो हर एक का अलग 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 होता है हाल कोई अच्छा आराधना कर सकता है कोई अच्छा प्रचार कर सकता है या कोई भविष्यवाणी कर सकता है कोई अन्य भाषा का ये कर सकता है को, कोई चिन्ह चमत्कार के काम कर सकता है ये अलग अलग है लेकिन आप बोलेंगे कि प्रभु नहीं मुझे यही करना है मैं यही करना चाहता हूं तो ये गलत है मतलब मुझे जो सही लगता है वो वही करूंगा मतलब मुझे जो पसंद है मैं वही करूंगा लेकिन जो मेरे प्रभु को पसंद है जो मेरे खुदा को अच्छा लगता है वो मैं नहीं करूंगा ये अपने माइंडसेट को बदल दीजिए प्रियो हाल जितने भी मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं या जितने मुझे इस समय गूगल Meet पर देख रहे हैं मेरे जवान भाई काम कर कर सुन लीजिए प्रियो ये बंद कर दीजिए खुद की इच्छा से करना या खुद को मतलब जो अच्छा लगता है वो करना लेकिन आज सोचिए कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है प्रभु मेरा प्रभु मुझसे क्या चाहता है प्रियो हालेलुया क्या मैं वो करना चाहता हूँ जो जो काम जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे भेजा है जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे चुना है जो काम प्रभु मुझसे चाहता है कि मैं वो काम करना चाहता हूँ कि जो मुझे अच्छा लगता है या लोगों को अच्छा लगता है हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड यदि आप शंकर आपकी बुराई को पहचाने प्रिय हालेलुया आपकी आप अपनी बुराहट को पहचाने प्रभु ने आपको किस लिए चुना है मुझे किस लिए चुना है प्रभु मुझको मुझको क्या चाहता है और कभी भी गड़बड़ी मत कीजिए प्रियो एक वचन पढ़ना चाहूंगा पढ़ना चाहूंगा मैं आप निकाल सकते सबोदेशक वही उसका तीसरा अध्याय पहला वचन हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है ध्यान से सुना हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है प्रियो यहां पे लिखा है कि पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है उस बात का एक समय है हालेलुया इसका मतलब ये है कि आप वो दिनों से प्रार्थना कर रहे होंगे कि प्रभु मुझे ये चाहिए प्रभु मुझे ये बनना है वो बना है लेकिन आप बन नहीं पा रहे क्यों नहीं बन पा रहे क्योंकि वो समय अब तक आया नहीं है अब मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल प्रभु यीशु मसीह का देना चाहूंगा जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल का हुआ था तब वो यरूशलेम के मंदिर में गया था और वहां पे क्या करने लगा प्रचार करने लगा था जब जितने जितने भी लोग उसके सामने बैठे थे वो देखकर पूरे दंग रह गए वो मतलब शौक हो गए हाल लेकिन प्रभु का समय तब आया नहीं था तब प्रभु अपने घर गया और जब तक वो मैचर्ड नहीं हुआ था तब तक वो तीस साल का नहीं हुआ जब तक वो परिपूर्ण नहीं हुआ तब तक उसने सेवकाई स्टार्ट नहीं किए थी हाल तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपको लगता है कि नहीं मैं अभी करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं नहीं प्रभु को अपना समय दीजिए प्रियो प्रभु आपके समय पे नहीं करेगा जब जब लगेगा आपको तब नहीं करेगा प्रभु को पता है किस समय आपका यूज करना है किस समय आपको उठाना है किस समय आपको तैयार करना है क्योंकि बाइबल साफ साफ बताती है कि हर एक बात का समय इसलिए कभी भी किसी भी बात में गड़बड़ी नहीं कीजिए क्योंकि वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु किसका है शांति का परमेश्वर है हालेलुया हालेलुया तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ आज की शाम की प्रियो हम बहुत बार बहुत बार हम सोचते हैं प्रियो हम चाहते हैं हाँ कि नहीं मुझे अच्छा लगता है तो मैं मैं मतलब मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही वही बनूंगा मैं वही करूंगा लेकिन ये सोच जो है आप बदल बदलने की जरूरत है प्रियो हाल हमको लेकिन आज से ये सोचिए कि मेरे प्रभु को क्या अच्छा लगता है मेरा प्रभु मुझसे क्या चाहता है मेरा खुदा मुझसे क्या चाहता है हालेलुया प्रभु जो चाहता है वो आपको बनाएगा ना तो वो बहुत ही अद्भुत रहेगा हालेलुया बहुत ही बेस्ट बहुत ही पावरफुल रहेगा मतलब प्रभु जो चाहता है आप वैसा बनोगे ना तो वो बहुत ही बेस्ट रहेगा प्रियो लेकिन आप बोलोगे प्रभु मुझे ये प्रभु मैं यही चाहता हूं प्रभु मुझे यही बना दे लेकिन प्रभु बोलेगा कि रुक तेरा समय अभी तक आया नहीं है शांत बैठ जा चुपचाप हो जा लेकिन प्रभु प्रभु को आप ये कि तू मुझको जैसा बना मतलब तू जैसा चाहता वैसा बना तो प्रभु अपने समय पर बना देगा अपने समय पर आपको खड़ा कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आप दंग हो जाएगो अब लोग देखते रह जाएंगे लोग शौक हो जाएंगे अरे प्रभु ने इसका अद्भुत रीति से आपको मतलब ऐसा यूज़ करेगा कि आपको खुद को यकीन नहीं होगा प्रियो हालेलुयाह हालेलुयाह हालेलुया। क्या मैं आपको हालेलुयाह को सुन सकता हूँ प्रेस द लॉट तो प्रियो मैं मैं ब, यही यही बोलना चाहता हूँ कि किसी की कॉपी मत करो किसी को देख कर मत करो कि ये वो वैसा कर रहा है तो मैं भी वैसा ही करूँगा मतलब स्टाइल मारना उसके जैसा ये करना बंद कर दो प्रियो हरे लेकिन आपको हम हमको किसकी कॉपी करना है पता है किसी सेवक की कॉपी नहीं करना है किसी भविष्यवक्ता की कॉपी नहीं करना है किसी प्रचारक की कॉपी नहीं करना है हमको हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की कॉपी करना है किसकी कॉपी करना है परमेश्वर प्रभु की कॉपी करना है प्रियो। आलेलूया, आलेलूया। तो प्रियो मैं यही मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूँ और कुछ बातें मैं बस शॉर्टकट में आपको बताना चाहता हूँ पहली बात तो मैंने आपको बता ही कि परमेश्वर जो आपको बनाना चाहता है उसको बनाने दो मतलब मैं जो चाहता हूं वो नहीं लेकिन परमेश्वर जो चाहता है उसको बनाने दो हाले और मेरी बुलाहट क्या है अपनी बुलाहट को जानो अपनी बुलाहट को समझो पियो हाले लुहिया मतलब मतलब मुझे आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है और आप पीछे चलते चलते आपको पता भी नहीं चलेगा कि परमेश्वर ने आपको ऐसा बना डाला कि जो परमेश्वर चाहता है हालेलुया 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 लॉर्ड और और एक बात है प्रियो हम बहुत बार ना फालतू मतलब गप्पे मारने में अपना समय बर्बाद करते हैं मतलब गप्पे मारते रहते हैं बिना फालतू के हालेलुया इससे बात कर लिया उससे बात कर लिया उसको फोन कर लिया इसको चैट कर लिया प्रियो बिना फालतू में अपना समय बर्बाद मत कीजिए मेरे जवान भाई बहनों ध्यान कान करके सुन लीजिए हालेलुया क्योंकि आने वाले समय में बहुत मतलब ऐसी बातों को ऐसी बातें होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते प्रियो इसलिए जितना हो सके उतना बाइबल पढ़िए प्रार्थना कीजिए परमेश्वर की महिमा कीजिए परमेश्वर की आराधना कीजिए परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताइए प्रियो हाल लुया हाल लुया और हाल अनुशासन में रहकर अपना अपने फोन का इस्तेमाल कीजिए सुने इस बात को अनुशासन में रहकर अपने फोन का इस्तेमाल कीजिए आप में से ऐसा कोई नहीं है जो फेसबुक नहीं यूज करता हो जो व्हाट्सएप नहीं यूज करता हो जो इंस्टाग्राम नहीं यूज करता हो जो ट्विटर नहीं यूज करता जो हेलो शेयर चैट बहुत बहुत मतलब सभी लोग हैं मैक्सिमम ऐसा कोई भी नहीं होगा जो यूज नहीं करता लेकिन क्या आप उसके गुलाम बन चुके हैं क्या आप, आपको इतनी उसकी लत हो गई कि आप उसके बिना रह नहीं सकते हाल मैं देखता हूं कि बहुत सारे जवान भाई बहन देर ऑनलाइन रहते बारह बारह एक एक दो दो तीन तीन बजे तक सोते नहीं है कुछ नहीं है हाल द लॉर्ड मतलब उन्होंने अब इतनी लत लगा चुकी है कि उसके बिना मतलब हर पांच मिनट में व्हाट्सअप खोल लिया हर पांच मिनट के अंदर हर आधे घंटे में फोन फोन के स्क्रीन को टच करते रहते फोन के अरे फोन आना ही है तो आएगा तुमको पता चलेगा लेकिन इतना मतलब इतना इतना मतलब इतना ये करते रहते रहे। बहुत मतलब उन्होंने मतलब वो उसके गुलाम बन चुके हैं तो इतना भी गुलाम मत बनिए प्रियो कि आपको मतलब आप उसके बिना रह नहीं पाओगे मतलब बहुत सारे बहुत सारे ऐसे जवान भाई बहन है यदि एक दिन भी भी मिनट उनके पास में फोन नहीं रहेगा ना वो कैसे अलग ही मतलब बिहेव करते थे और मतलब किधर भी ऐसा रह गया ना अरे मेरा फोन कहा गया फोन कहा गया ये इधर ढूंढेंगे उधर पांच मिनट भी बिना फोन के ऐसा मतलब बहुत सारे लोग है जो रह नहीं सकते प्रियो हालया प्रेस आपको बताना प्रेस चाहता में अपना समय बर्बाद मत यूज़ कीजिए प्रभु का वचन पढ़ते वचन देखिए वो और बहुत लोग इतने मतलब बहुत सारे भाई बहन को देखता हूँ कि जिधर भी जाएंगे सेल्फी जिधर भी जाएंगे सेल्फी उधर भी जाएंगे सेल्फी उसमें डाला इसमें डाला उसमें सेंड किया और बहुत सारे लोग ऐसे मतलब ऐसे लोग ऐसे भी है कि उनके पास उनके खुद को हजारों फोटो है हजारों फोटो हाल मतलब इस बात के लिए हमारे पास समय है हाल लेकिन प्रभु के लिए हमारे पास समय नहीं है मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप फोटो मत निकालिए हाल और मैं आपको मतलब डिस्करेज नहीं कर रहा हूं या आपको कुछ ये नहीं कर रहा लेकिन मैं बोल मुझे ये कहना है कि आप कीजिए लेकिन लिमिट लिमिट में हर चीज का लिमिट होता है फालतू में बकवाद फालतू में ये कर लिया वो कर लिया नहीं उसके लिए हमारे पास समय होता है लेकिन प्रभु की इच्छा को जानने के लिए हमारे पास समय नहीं है प्रभु के साथ संगति बिताने के लिए समय नहीं है प्रियो आ, 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 मो, व्हाट्सअप के लिए समय है फेसबुक के लिए समय है इंस्टाग्राम के लिए समय है यूट्यूब के लिए समय है Hallelujah. और बहुत सारे लोग और एक बात मुझे बहुत बुरी लगती है प्रियो बस मिनट में, में खत्म कर रहा हूं और बहुत सारे जवान भाई बहन है जो है ना ये कभी आज भी ये चर्च में नहीं लेके जाते फोन लेके जाते हैं फोन 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 से बाइबल पढ़ते हैं यह सही है हालेलुया प्रियो फोन का मतलब जब आप इमरजेंसी में है मतलब आप कहीं बाहर गए जब इमरजेंसी उस समय ठीक है लेकिन यदि आप ठीक है आप बाइबल पढ़ रहे हैं और आप, न, आप किसी का मैसेज आ का, में आप पढ़ोगे, क्या वो पहले मैसेज को देखोगे या कॉल को रिसीव करोगे हाल यहाँ बंद कर दो प्रियो मोबाइल से बाइबल पढ़ना मोबाइल का ये करना वो करना नहीं ज्यादा से ज्यादा हार्ड कॉपी का यूज करो हार्ड कॉपी से पढ़ो इससे पढ़ो हलोलुआ पता है बहुत बार हम बाइबल बाइबल मोबाइल से पढ़ते कुछ भलता ही लिंक आ जाता है कोई भलती साइट हमको दिख जाती है हलोलुआ कहता हम उस पर क्लिक नहीं करेंगे बहुत बार वचन छोड़ छोड़ कर उधर चले जाते हैं प्रियो हले लुह लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज की शाम में आपको एनकरेज करना चाहता हूं फालतू में अपना समय बर्बाद मत कीजिए प्रियो यूज करना है तो लिमिट में यूज कीजिए अच्छी बातों के लिए यूज कीजिए फालतू बकवाद में मत यूज कीजिए और ज्यादा समय अपना प्रभु में बिताइए प्रियो हले लोहिया तो आज के वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपको आशीष दिया मुझे मुझे ये बताना था कि हम प्रभु की इच्छा को जाने हम खुद की इच्छा नहीं लेकिन परमेश्वर जो चाहता है वो बने अले लोहिया तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी होगी प्रभु सभी को आशीष दे धन्यवाद थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल या आ, भाई बहुत ही सुंदर तरीके से आपने परमेश्वर की स्तुति और आ, स्तुति और वचनों को दिया है सचमुच बहुत ही अद्भुत रीति से आपने बातों को सिखाया है और विशेषकर भाई जवानों के लिए आपने जो संदेश दिया है वो लाइक सिंह जो की ऐसी जागृति के मैसेज देते उसी प्रकार से आपने आ, सेम लाइक उन्हीं के जैसे कुछ वचनों को दिया है सचमुच जब आप वचन को दे रहे थे और मैं नोट किया कि मैं बोला आज ऐसा लग रहा है कि भाई मैं पास्टर आमो सिंह का वचन सुन रहा हो क्या सचमुच ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं ऐसे वचनों को जब सुन रहा था जो कि मोबाइल के ऊपर में और जवानों के लिए स्पेशली सचमुच बहुत सुंदर वचनों को आपने दिया है और प्रभु इन वचनों के द्वारा सचमुच सबको ब्लेस करे और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भाइयों ने भाई ने हमारे बीच में वचन को दिया है वो सचमुच हमारे जीवन में लागू करता है और हमें उसके ऊपर ध्यान करना है और वो बातें सीखना जरूरी है सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल भाई प्रभु आपको ब्लेस करे आपके कामों में और मिनिस्ट्री में और और मिनिस्ट्री आपको प्रभु आगे सो so, हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई प्रफुल किले और सिस्टर तमन्ना किले प्रभु परमेश्वर इन दोनों को बहुत बहुत आगे बढ़ाए उन्नति दे इसलिए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर पिता दयालेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाले पिता मैं आज की रात आज की संध्या खुदा प्रभु परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता भाई के नाम ब्लेस कीजिए लॉर्ड इनके जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु जी इनके जीवन में खुदा प्रभु जी आपकी उन्नति को चाहता हो प्रभु परमेश्वर पिता आप इन्हें और प्रकाशन दीजिए और सिखाए खुदा प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु परमेश्वर पिता इन्हें और अद्भुत रीति से खुदा प्रभु परमेश्वर पिता ज्ञान से भरिए प्रभु जी प्रभु परमेश्वर पिता बाइबल का ज्ञान और सांसारिक रीति से और खुदा प्रभु जी ज्ञान से इन्हें भर प्रभु जी प्रभु परमेश्वर पिता ये वचनों को खुदा प्रभु जी वर्ष को समझने वाले बन सके और उसे खुदा प्रभु जी और भी लोगों को समझाने वाले बन सके प्रभु जी मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड इसी प्रकार से मैं प्रार्थना करता हूँ बहन तमन्ना के लिए प्रभु जी उन्हें ईश्वर के नाम से ब्लस कीजिए आशीर्वादित कीजिए उनके भी साथ हो संग रहे प्रभु जी उनकी हर एक जरूरतों को आप पूरा कीजिए फादर आप ऐसा ही करने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को के नाम से मांगता हूँ ग्रहण कर आमीन 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 हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और आगे प्रार्थना करेंगे क्राइस्ट मिनिस्ट्री के लिए कि इस मिनिस्ट्री को प्रभु और बढ़ाए और इस मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर पिता बहुत से काम करे और आने वाले समय में पिता इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत से आत्माओं को जिता ले इसलिए हम प्रार्थना करेंगे भाई प्रफुल्ल है हमारे बीच में कृपया करके वो क्राइस्ट इस मिनिस्ट्री के लिए और पूरे इंडिया और महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करें भाई हम दुआ करेंगे थैंक यू चीज थैंक यू चीज उस थैंक यू चीज़ मेरे स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान शक्ति मान ईश्वर प्रभुशी के नाम से फिर से एक बार प्रभु मैं आपके हृदय के पास आता हूँ दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपकी दया के लिए प्रभु प्रभु हम मिट नहीं गए हम नाश नहीं हुए प्रभु ये आपकी दया और महाकरुणा है कि हम आज प्रभु इसलिए ताकि प्रभु हम आपके लिए एक उपयोगी पात्र बन सके आज हम धन्यवाद करते प्रभु प्रभु इस समय के लिए पिताजी और प्रभु आज की सभा को आपने ब्लेस किया इसलिए मैं आपका धन्यवाद करते विशेष हम मैं दुआ करता हूँ इस समय प्रभु प्रभु क्राइस्ट युद्ध मिनिस्ट्री के लिए प्रभु अर्पण प्रभु हमारे जितने भी टीम के मेंबर्स में प्रभु उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ राजा जितने भी भाई बहने सभी को ब्लेस कीजिए उनके परिवार को ब्लेस कीजिए राजा इस मिनिस्ट्री के जरिए प्रभु और प्रभु जी और जवान भाई बहनों में प्रभु जी आपका काम होने पाए आपका राज्य बढ़ने पाए वन प्रभु महाराष्ट्र में ही नहीं और ऑल इंडिया में प्रभु इस मिनिस्ट्री को फैलने दे और जवान भाई बहन हमारे साथ जुड़ सके प्रभु और इस मिनिस्ट्री के द्वारा आशीष को पा सके प्रभु प्रभु अर्पण को प्रभु अच्छे वरदानों से भर प्रभु जी जो भी प्रभु आपने उसको गिफ्ट दिया है भविष्यवाणी का उसके द्वारा प्रभु प्रभु वो आपको राज्य के लिए उपयोगी पात्र बन जाए हम प्रार्थना करते हो राजा प्रभु मेरे जितने भी भाई बहन आज की शाम आज की रात जुड़े थे सभी के परिवार को ब्लेस कीजिए प्रभु यदि कोई बिजनेस करता है उनके बिजनेस को ब्लेस कीजिए यदि कोई जॉब करता है उनके जॉब को ब्लेस कीजिए प्रभु जी यदि कोई प्रभु सेवा करता है यदि कोई मिनिस्ट्री करता है तो उनकी सेवकाई को उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस कीजिए राजा प्रभु यदि किसी के परिवार में प्रॉब्लम्स समस्या है समस्याएं यदि कोई आज की शाम बीमार है तो इसी से में उसको छूकर चंगाई कीजिए हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे देश पर दया कर हमारे राष्ट्र पर दया कर प्रभु प्रभु जी हमारे देश में प्रभु प्रभु आप का राज्य आने दे प्रभु जी प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु 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 तेरा वचन कहता है कि यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते वो अपने मन को फिराकर कर मेरी और मुझसे प्रार्थना करेंगे तो मैं उनके देश को बदल कर जो के तो कर दूंगा प्रभु आज आ, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हमारे देश को आशीष दे हमारे राज्यों को आशीष दे प्रभु हमारे सरकारों को आशीष दे प्रभु जी प्रभु और जो प्रभु इन दिनों में जो भी प्रभु कली से अपने अत्याचार से हो रहा है प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु आप दया कीजिए राजा आप हर एक सेवक को आप साम दीजिए प्रभु और अनुभूत रीति से आपकी सेवा करने के लिए उनको सहायता कीजिए हम प्रार्थना करते प्रभु और मेरे जितने भी जवान भाई बहन है विशेष उनके लिए प्रार्थना करता प्रभु जिनकी शादियां नहीं हो पा रही उनकी शादियां होने दे प्रभु जी और प्रभु जो आप चाहते हैं उनके जीवन में आज के वचन के अनुसार उनके जीवन में काम होने दे राजा धन्यवाद करता हूँ फिर से एक बार प्रभु आज की रात हमारी जिंदगी को हम आपके हाथों में देते हैं सारा दर आपको देकर इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से करते हैं लॉर्ड थैंक यू सो मच प्रभु सबको आशीष दे yeah, yeah, प्रभु आपको भी बहुत बहुत आशीर्वादित करें